होटल में जिंदगी और मौत की ये तो एक मिरेकल ही है मिस्टर राशिद। ऐसे लगा जैसे वो सही होने के लिए आप ही के आने का इंतजार कर रही थी। तुम ना मैं अम्मी के कमरे में ले जाऊं। एपिसोड देखिए Z5 पर। तुम उस दिन कुछ कहना चाहती थी मुझसे। वो गुड़िया वही गुड़िया है ना जो आपने नजमा को उसकी पहली सालगिरह पर दी थी। क्या ये काम आज ही करना जरूरी है क्या? मैं इस वक्त अपनी बेटी के साथ में हूं और आज इसकी पहली सालगिरह है, इसलिए मैं जी ठीक है। बेटा बस आवाज मत करो, हम लोग जाते हैं, घर पे जाते हैं, ठीक है? सिर्फ ये लो बेटा। आपके ख्वाबों से अपनी नींदें सजाते हैं, आपके ख्वाबों से अपनी नींदें सजाते हैं। अजी लड़के तो लड़के आपको देख के कुकर भी सीटी बजाते हैं। देखिए देखिए फिर बज गया तीसरी बार। अच्छा हो गया, वेरी गुड। अब इसे आप कुकर में डालिए। अयान आपने कहा था कि आप मेरी हेल्प करोगे। हेल्प ही तो कर रहा हूँ मैं आपकी, आफ्टर ऑल आपको इंस्ट्रक्शन तो दे रहा हूँ कि करना क्या है। इंस्ट्रक्शंस तो मैं भी रेसिपी बुक से पढ़ सकती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप कुकर खोलिए। चलिए ओके
कम ऑन। ये रहा रेसिपी। तो शेफ अयान आज बनाएंगे शुक्रिया। आया आपको कुकर खोलने में ये हालत है तो बाकी का काम क्या करोगे? एक मिनट, आप दाल में नमक डाल दीजिए, बाकी मैं कर लूंगी। ठीक है, जो हुकुम शेफ साहिबा। वैसे ना इस कुकर में कुछ प्रॉब्लम है, अब मेरे को आता तो सब कुछ है। अब देखिए ऐसी दाल बनेगी क्या आप लोग बिरयानी खाना भूल जाएंगे? देखिएगा लोग आपने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने मुझसे झूठ बोला कि आपने अपना प्यार खो दिया है। सच्चाई तो ये है कि आपने खुद अपने प्यार को छोड़ दिया था। मैं हॉस्पिटल में आपसे नहीं पूछ पाई। आई एम सॉरी, मैं पूछे बिना नहीं रह सकती कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने फुप्पी से दोबारा मिलने के लिए मेरी मदद ली और आपने मुझे ही ये बताना जरूरी नहीं समझा कि आपकी एक और बीवी और बच्चे भी हैं। ट्रस्ट मी, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं आपकी कभी मदद नहीं करती। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने उस इंसान से मिलने में आपकी मदद की जिसकी जिंदगी आप बहुत पहले बर्बाद कर चुके हैं। इस सच का एक दूसरा रुख भी है। मैंने जो किया वो करने की एक वजह थी। मैं वो वजह अच्छी तरह से जानती हूं। आपने अपनी मोहब्बत को छोड़ के दौलत को चुना। But let me tell you, मैंने आज तक आपके जितना गरीब इंसान नहीं देखा। जिस इंसान को उसके अपने बच्चे अब्बू नहीं कह सकते उससे गरीब कौन होगा? मैंने दिलशाद को दौलत के लिए नहीं छोड़ा। तो फिर किस लिए छोड़ा? कौन सी ऐसी वजह थी जो आपने बरसों तक छुपाई रखी? राज ऐसे होते जो ताउम्र इंसान के सीने में दफन रहते हैं, कभी उसकी जुबान तक नहीं आ पाते। कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान को अपनी बीवी और बच्चे तक छोड़ने पड़े। मैंने और सस्पेक्ट्स की लिस्ट चेक की है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास अम्मी पर अटैक करने का मोटिव हो। देखिए मिस्टर खान, ये बात तो पक्की है कि जिस किसी ने भी फुप्पी पर अटैक किया था वो फीनिक्स सिक्योरिटी में ही काम करता था और जिस किसी ने भी उसे हायर किया होगा उसका भी कोई ना कोई कनेक्शन तो ये फीनिक्स सिक्योरिटी से जरूर होगा। हो सकता है इस लिस्ट में कोई तो ऐसा नाम है जिसे हम मिस कर रहे हैं। हम जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं मिस्टर खान। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।